दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंडियन ऑथर खुशवंत सिंह की लिखी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल जिसका नाम है द ट्रेन टू पाकिस्तान। दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान को लिखा गया था अर्ली 1950s में न्यू दिल्ली में, और इसको 1956 में पब्लिश करवाया गया था। इसकी सेटिंग रखी गई है पंजाब में और थर्ड पर्सन ऑमनीसेंट इसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है। दोस्तों ये एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट वॉर लिटरेचर का अच्छा एग्जाम्पल है। ये सब होगा इसके की फैक्ट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नोवेल में है क्या। ये नोवेल एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट वॉर लिटरेचर का अच्छा एग्जाम्पल है। दोस्तों इस नोवेल को इंडिया और ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। इंडिया और पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, तब की कहानी है। दोस्तों इस नोवेल में खुशवंत सिंह ने ये दिखाने की कोशिश की है कि आम जनता को तो पता भी नहीं था कि हमको क्यों अपना घर छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है और आगे क्या होने वाला है, क्या हम वापस इस जगह पर आ सकेंगे जहां हम रहते हैं इस वक्त। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है। इसके अंदर जो सच्चाई है पार्टीशन की वो दिखाने की कोशिश की है खुशवंत सिंह ने। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। साल 1947 की गर्मियां, 1 करोड़ हिंदू मुसलमान और सिख अपने घरों को छोड़ छोड़ कर भागे बॉर्डर पार करने को, जो बॉर्डर अभी अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नया नया बना था। पूरे उत्तर भारत में अभी खलबली मची हुई थी, लेकिन इसी बीच एक अकेला अलग थलग पड़ा हुआ गांव भी था जिसका नाम था मनोमाजरा। उसमें बहुत ही शांति थी, फिलहाल के लिए शांति थी, आगे का पता नहीं। इस गांव में एक गुरुद्वारा था जिसकी सेवा करता था मीत सिंह नाम का एक आदमी, और एक मस्जिद था जिसे मुल्ला इमाम बख्श, एक बुनकर था मुल्ला इमाम बख्श, वो देखता था। और इस गाँव में एक महाजन था लाला रामलाल, तो उसका मर्डर हो गया। ये गांव डकैतियों के लिए बड़ा बदनाम था। इस गांव में एक बंदा था जगत सिंह नाम का एक डकैत था। वो इस गांव में बड़ा ही डेंजरस आदमी था, हर कोई इससे डरता था। इस गांव में इसको गांव में जग्गा कहकर बुलाते थे। एक और डकैत था जिसने जग्गा को फंसाने के लिए चोरी की हुई चूड़ियाँ इसके आंगन में पटक दी। जग्गा नूरन नाम की एक मुसलमान लड़की से छुपकर मिलता था झाड़ियों में, तभी झाड़ियों में इसको गोलियां चलने की आवाज़ आई, तो 4-5 डकैत इसको नदी के रास्ते भागते हुए दिखाई दिए। तो जग्गा ने इनको पहचान लिया, जिसमें से एक डकैत का नाम था मल्ली। वो मल्ली गैंग का लीडर था जिसके लिए कभी ये जग्गा काम करता था। अब दोस्तों इसकी कहानी रखते हैं साइड में। इस गांव का एक मजिस्ट्रेट है हुकुमचंद, और ये इस गांव का डेप्यूटी कमिश्नर भी है। ये इस गांव में आता है डकैती के एक दिन पहले और सब इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या इस गांव में हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इस हुकुमचंद को ये पता नहीं है कि ये गांव ऐसा नहीं था, ये आसपास के गांव जैसा नहीं था। इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था हिंदू और मुसलमानों के बीच में, शांति थी बिल्कुल। इस गाँव के तो बेचारे लोग ये भी नहीं जानते थे कि अंग्रेज़ भारत से चले गए और इस देश के 2 हिस्से हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। हालाँकि यहाँ पर कुछ लोग थे जो महात्मा गांधी को जानते थे, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर को तो ये डाउट था कि जिन्ना को शायद ही कोई जानता हो। तो हुकुमचंद इससे पूछता है कि इस गांव में कोई बुरा आदमी है, तो वो बोलता है कि जग्गा नाम का एक आदमी है जो डकैती करता है, लेकिन अभी नूरन ने, उसकी प्रेमिका नूरन ने उसको इन लफड़ों से बाहर रखा है। फिर हुकुमचंद इससे पूछता है कि वो काम कर दिया जो मैंने तुमको बोला था, तो सब इंस्पेक्टर बोलता है हाँ कर दिया। एक्चुअली दोस्तों ये हुकुमचंद किस काम की बात कर रहा है सब इंस्पेक्टर से, इसने सब इंस्पेक्टर से बोलकर अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक प्रोस्टिट्यूट मंगवाई है। उस लड़की का नाम था हसीना, ये लड़की भी एक मुसलमान है। तो अब जब शाम को ये हुकुमचंद और हसीना कमरे में थे अकेले, तो गोली चलने की आवाज़ आई। लगता है डकैती हो गई थी और लाला रामलाल का मर्डर हो चुका था। अब अगली सुबह रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी। दिल्ली से लाहौर आने वाली ट्रेन आई थी, उसमें से एक जवान लड़का उतरा। देखने से वो लड़का इस गांव का नहीं लग रहा था। पुलिस वाले उस लड़के को देख रहे थे। ये लड़का सबसे पहले गुरुद्वारे गया, इस गांव के गुरुद्वारे गया, मीत सिंह से पूछा कि कुछ दिनों के रहने के लिए इसको जगह चाहिए। तो मीत सिंह ने इस लड़के का नाम पूछा, तो इसने बताया कि इकबाल सिंह। तो मीत सिंह पहचान गया कि तू तो सिख ही है। अब दोस्तों दूसरी तरफ ये जग्गा जो था ये अरेस्ट कर लिया गया था। वही बात थी कि इसको फंसाने के लिए कंगन कोई इसके आंगन में फेंक गया, टूटे हुए कंगन कोई इसके आंगन में फेंक गया और इसने भागने की कोशिश की, तो इसको पकड़ लिया पुलिस ने। अब दोस्तों ये इकबाल भी यहाँ पे घूम रहा था गांव में, तो इसकी मुलाकात हुई बंता सिंह नाम के इस गांव के लंबरदार से। इस गांव का लंबरदार था बंता सिंह, और इस इमाम बख्श से भी।
अब हर कोई आता जाता इस इकबाल से एक ही सवाल पूछता था कि अंग्रेज भारत छोड़कर क्यों चले गए। ये परेशान होकर उनसे पूछता है कि क्यों, क्या तुम लोग फ्री नहीं होना चाहते? तो इस बात का दोस्तों इस इकबाल को इमाम बख्श ने अच्छा जवाब दिया कि आज़ादी सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है, गरीब किसान का क्या है, वो तो पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, पार्टीशन के बाद पढ़े लिखे इंडियंस या पाकिस्तानियों का गुलाम हो जाएगा। दोस्तों अगली सुबह पुलिस वालों ने गलती से इस इकबाल को अरेस्ट कर लिया और जग्गा भी मैंने आपको बताया अरेस्ट हो चुका था। तो अब इस सब इंस्पेक्टर ने हेड कांस्टेबल से पूछा इकबाल के बारे में कि इस लड़के को क्यों अरेस्ट करके लाए हो। सब इंस्पेक्टर ने इसको पहचान लिया कि ये तो रेलवे स्टेशन पे हमको दिखा था, ये एक इनोसेंट आदमी है। तो उसने हेड कांस्टेबल को बोला कि तू इनोसेंट लोगों को पकड़ पकड़ के लाता है, एक दिन ज़रूर मेरी वर्दी उतरवाएगा। तो अब सब इंस्पेक्टर ने इस इकबाल की पैंट खुलवाई ये पता करने के लिए कि ये हिंदू है या मुसलमान। उसको लगा कि ये इकबाल मुस्लिम लीग का मेंबर है। तो अब हुकुम चंद सब इंस्पेक्टर से बोला कि तुम इसका नाम मोहम्मद इकबाल बताकर इसके नाम का अरेस्ट वारंट निकालो। वहाँ जेल में इस जग्गा को टॉर्चर किया जा रहा था कि लाला रामलाल के मर्डरर्स का नाम बता। अब दोस्तों सितंबर का महीना शुरू हुआ ही था कि एक ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया आई, सुबह सुबह का टाइम था, लेकिन उस ट्रेन से कोई भी बाहर नहीं निकला। वो ट्रेन एकदम शांत थी, शांति छाई हुई थी उस ट्रेन में। शाम होते होते जब हवा चली तो ट्रेन से जले हुए इंसानी मांस और केरोसिन की स्मेल आई इस हुकुमचंद को। हुकुमचंद ने अपना पूरा दिन इस ट्रेन से लाशें निकलवाने में, औरतों बच्चों और मर्दों की लाशें निकलवाने में लगवा दिया। दरअसल ये ट्रेन जब पाकिस्तान से आ रही थी तो इस पर केरोसिन डालकर इस पर आग लगा दी गई थी। हुकुमचंद को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, ये देख नहीं पा रहा था ये चीज़ें, लेकिन फिर भी इसने सबको इग्नोर किया और घर पहुंचकर इसने विस्की मंगवाई और हसीना को अपने पास बुलवा लिया पूरी रात के लिए, क्योंकि ये किसी की कंपनी चाहता था अपने साथ में। पूरी रात इसने कुछ भी नहीं किया हसीना के साथ में, ये वैसे ये लड़की इसकी बेटी की उम्र की थी। अब अगले दिन सब इंस्पेक्टर इसके पास आया हुकुमचंद के और इसको बोला कि अभी अभी 40-50 रेफ्यूजी सिख जो कि पाकिस्तान से आए हैं वो टाउन में एंटर हुए हैं। तो इसने सब इंस्पेक्टर से पूछा कि लाला रामलाल के मर्डर का कुछ पता चला? तो ये बोला कि जग्गा पहले मल्ली की गैंग का मेंबर था, लेकिन जग्गा का इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। तो हुकुमचंद ने फिर से सब इंस्पेक्टर से पूछा कि ये मल्ली और इसकी गैंग के आदमी सिख हैं या मुसलमान? तो वो बोला सिख है। तो ये बोला कि फ्री कर दो उन लोगों को। एक्चुअली ये हुकुमचंद ये चाहता था कि ये मल्ली और इसकी गैंग वाले मुसलमान निकले और ये आराम से फिर इस इकबाल को मुस्लिम लीग का मेंबर साबित कर देगा और गांव वालों को ये यकीन दिलवा देगा कि मुसलमान इस गांव के लिए सही नहीं है और सारे मुसलमानों को पाकिस्तान के लिए रवाना कर देगा। ये इसका प्लान था इस हुकुमचंद का। अब ये हुकुमचंद क्या करता है, मुस्लिम रेफ्यूजी कमांडर को बोलता है कि ट्रकों का बंदोबस्त करो, इस गाँव से मुसलमानों को बाहर निकालना है। अब अभी तक तो यहाँ पे गांव में ना हिंदुओं को मुसलमानों से प्रॉब्लम है ना मुसलमानों को हिंदुओं से, लेकिन देखने से ऐसे लग रहा है कि ये हुकुमचंद प्रॉब्लम करवा के रहेगा इनके बीच में। अब दोस्तों जेल में ये इकबाल और जग्गा साथ में थे एक हफ्ते से, तो इस इकबाल ने जग्गा से पूछा कि क्या तुमने रामलाल का मर्डर किया है? तो जग्गा बोला नहीं। फिर इकबाल बोला कि फिर तो पुलिस तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन ये जग्गा जानता था कि ये लोग वही करेंगे जो इनके मन में आएगा। अब सुबह होते ही ये सब इंस्पेक्टर गांव में गया और जा कर के हेड कांस्टेबल को बोला कि जाकर गांव वालों से पूछो कि इनमें से किसी ने मोहम्मद इकबाल नाम के बंदे को देखा है क्या, कोई इनमें से मोहम्मद इकबाल नाम के बंदे को जानता है क्या? तो हेड कांस्टेबल इससे बड़ी हैरानी से पूछा कि सर वो तो हमारे पास ही है और वो तो सिख है ना? तो सब इंस्पेक्टर इससे बोला, स्ट्रांगली बोला कि तुझे पता है वो सिख है, मुझे पता है वो सिख है, लेकिन किसी को बोलना मत, अब उसका नाम मोहम्मद इकबाल है, सबको उसका नाम मोहम्मद इकबाल ही बताना। तो हेड कांस्टेबल ने वैसा ही किया जैसा इसको सब इंस्पेक्टर ने बोला। ये गांव वालों से जाकर के पूछने लगा कि मोहम्मद इकबाल नाम का एक शहरी बाबू यहाँ पे आया था, तो क्या कोई तुम में से उसको जानता है? तो ये गांव वाले बड़े हैरान हो गए कि वो शहरी बाबू क्या डकैती करेगा, उसको डकैती करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और वो तो सिख है मुसलमान नहीं है, वो कोई मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं है। अब हुकुमचंद की खेली हुई इस चाल से शक तो बैठ गया था यहाँ के लोगों के दिमाग में। इस शांत गांव में चिंगारी लगा दी थी हुकुमचंद ने। अब यहाँ का माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि मुसलमान सिखों पे भरोसा नहीं करते थे और सिख मुसलमानों पे भरोसा नहीं करते थे।
अब उस रात बहुत सारे सिख इस बंता सिंह के घर पर इकट्ठे हुए और इन्होंने फैसला लिया कि हम लोग थोड़े टाइम के लिए, बस ज़्यादा नहीं, थोड़े टाइम के लिए गांव के मुसलमानों को रेफ्यूजी कैंप्स में भेज देते हैं जब तक माहौल सही ना हो जाए, और तब तक इनके घरों का ध्यान हम लोग रख लेंगे। इसके बाद क्या होता है, अब सारे मुसलमानों को निकलना होगा, रेफ्यूजी कैंप्स में जाना पड़ेगा। तो ये इमाम बख्श नूरन के घर गया। नूरन कौन थी दोस्तों? नूरन वही थी जग्गा की प्रेमिका। उसके घर जाकर के बोलने लगा कि अब मुसलमानों को ये गांव छोड़ना होगा, तो तुम तैयारी कर लो। तो अब नूरन जग्गा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी पाकिस्तान, लेकिन अगर ये अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे तो इनको बाहर फेंक दिया जाएगा ज़बरदस्ती। तो अब नूरन के पास एक ही रास्ता था इस गांव में रहने का। ये जग्गा की माँ के घर गई और उसका इंतज़ार करने लगी। तो जग्गा की माँ वहाँ पर आई, लेकिन ये इसे देख करके, जग्गा की माँ इसको देख कर, नूरन को देख कर बड़ी इरिटेट हो गई, क्योंकि ये कभी नहीं मानेगी उसके बेटे की शादी इस नूरन से हो। लेकिन नूरन ने जग्गा की माँ को कहा कि मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। इस बात से जग्गा की माँ मान गई और उसने कहा कि पहले जग्गा को बाहर आने दो जेल से, तब तक वेट करो। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं था मुसलमानों के पास में। अगली सुबह मुसलमानों को लेने के लिए ट्रक आए। एक मुस्लिम ऑफिसर सारे मुसलमानों से बोला कि आओ ट्रक में चढ़ जाओ, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ, कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे काम आए वो सब ले चलो, बाकी सब छोड़ दो। अब जल्दी जल्दी मुसलमानों को ट्रक में चढ़ाया जा रहा था। वो सारे के सारे अपने घर छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, और उन घरों की कस्टडी पता है किसको दी गई थी दोस्तों? इस मल्ली को। पुलिस वालों ने उन मुसलमानों के घरों की कस्टडी, देख रेख का काम इस मल्ली को दिया था, यानी कि बिल्ली को कह दिया कि दूध का ध्यान रखना। तभी दोस्तों सिखों ने क्या देखा कि सतलुज जो रिवर थी, सतलुज रिवर, उसका पानी बढ़ रहा था और लाशें बहती हुई, औरतों बच्चों की, मर्दों की लाशें बहती हुई उस पानी में आ रही थी। तो ये लोग समझ गए कि इन लोगों का कत्लेआम हुआ है और हमारे गांव के मुसलमानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब जब सारे मुसलमानों को गांव से रवाना कर दिया गया, तो शाम के टाइम सारे सिख गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए प्रे करने के लिए। तभी वहाँ पर कुछ सिख लड़के गुरुद्वारे में आए, और उनमें से एक लड़का बोला कि जिस तरह से उन लोगों ने हमारे लोगों को वहाँ से मार काट के भेजा है, जला करके भेजा है, हमको भी उनका वैसे ही कत्लेआम करना चाहिए, उनको वैसे ही मारना चाहिए। शाम को ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होगी और हम लोग पटरी के दोनों तरफ इकट्ठे होंगे, जो ब्रिज है उस पर रस्सी बांधेंगे, रस्सी को खींच कर बांध देंगे, जिससे ट्रेन के ऊपर, ट्रेन जब निकलेगी तो ट्रेन के ऊपर जो मुसलमान बैठे रहेंगे वो नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसे हम लोग अपने प्लान को अंजाम देंगे, उस लड़के ने कहा। ये प्लान था उस लड़के का। तो बंता सिंह ने क्या किया, ये बंता सिंह ने जाकर के इस प्लान, उस लड़के के इस प्लान के बारे में पुलिस को बता दिया। पुलिस स्टेशन में यहाँ हुकुम चंद लाशों के ढेर देख देख के परेशान हो गया था। तभी इसके पास सब इंस्पेक्टर आकर के बोला कि सारे मुसलमानों को भेज दिया गया है और अभी ट्रेन रवाना होने वाली है पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये हुकुम चंद जो है, इसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो लड़की रख रखी थी हसीना, उससे इसको बहुत लगाव हो गया था। वो भी मुसलमान थी तो उसको भी जाना पड़ेगा। तो सब इंस्पेक्टर ने इसको बोला कि ट्रेन अगर जल्दी नहीं निकली तो मुसलमानों को बेरहमी से मार दिया जाएगा। अब दोस्तों इस हुकुम चंद ने एक अच्छा काम किया, इसने इस जग्गा और इकबाल इन दोनों को फ्री कर दिया, और ऑफिशियल पेपर्स पे इसने इकबाल का नाम इकबाल सिंह लिखवाया बजाय मोहम्मद इकबाल के। अब दोस्तों जेल से छूटने के बाद इस जग्गा को पता चला कि सारे मुसलमान तो चले गए और इस मल्ली की सारी गैंग मुसलमानों के खून की प्यासी है। अब दोस्तों इस कहानी का एंड आ गया है। ये इकबाल दिल्ली वापस जाने की तैयारियां कर रहा था और रात में ये जग्गा गुरुद्वारे में गया, मीत सिंह से बोला कि मुझे प्रेयर करनी है। वहाँ हुकुम चंद को ये बात तड़पा रही थी कि हसीना को इससे दूर जाना होगा। अब रात को 11 बजे बहुत सारे लोग रेलवे ट्रैक्स के आसपास इकट्ठे हो गए। ट्रेन चलने वाली थी, ट्रेन पाकिस्तान को जाने वाली थी। अब ट्रेन चली तो लोगों ने देखा कि ब्रिज पर एक आदमी चढ़ रहा था। ये आदमी कोई और नहीं, जग्गा था, लेकिन किसी ने इसको पहचाना नहीं। लोग उस पर चिल्लाए कि ट्रेन आ रही है, नीचे आ जा। लेकिन जग्गा ने अपनी कृपाण निकाली, कृपाण एक चाकू जैसा औजार होता है दोस्तों, तो वो निकाली और रस्सी काटने लगा। जो रस्सी मुसलमानों को नीचे गिराने के लिए बांधी थी ब्रिज के दोनों तरफ, वो काटने लगा।
अब रस्सी इसने लगभग काट ही दी थी, ट्रेन बहुत पास थी, उसका बस किनारा बच रहा था, वो इसने अपने दांत से काटा। वो दांत से काटने लगा तो रस्सी तो कट गई, लेकिन रस्सी के साथ साथ ये खुद पटरियों पर गिर गया और ट्रेन इसके ऊपर से पाकिस्तान चली गई। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।